अब खबर उमरेड स्थित वेस्टर्न कोल लिमिटेड परिसर के वायगांव घोटुरले से। वेस्टर्न कोल लिमिटेड परिसर का वातावरण को दूषित करने और दूषित हवा द्वारा नागरिकों के स्वास्थ्य में हो रही समस्या के चलते कल सोमवार 15 जनवरी को नागरिकों द्वारा वेस्टर्न कोल लिमिटेड प्रशासन के खिलाफ अपना रोष प्रकट कर मुख्य मार्ग पर आंदोलन किया गया। यह आंदोलन नवनियुक्त सरपंच पंकज गायधने के नेतृत्व में किया गया। वेस्टर्न कोल लिमिटेड से सटीक परिसर में ग्राम पंचायत की सीमा सटीक कॉलोनी है। राष्ट्रीय राजमार्ग होने से परिसर से हजारों के तादाद में आवाजाही शुरू रहती है और इसी मार्ग का उपयोग वेस्टर्न कोल लिमिटेड के अंदर से आए ट्रक के साथ आई धूल अब सड़कों पर जमा होती है। सड़कों पर उड़ने वाली धूल खुलेआम रास्ते में फैल रही है। सड़कों पर उड़ने वाली धूल और उसका धुआं नागरिकों की मुख्य समस्याओं में शुमार हो चुकी है। हवाओं में धूल का स्तर बढ़ने से लोग परेशान हैं। नागरिकों में स्वास्थ्य की समस्या हो रही है। इसी धूल और धुएं के चलते वाहन चालकों का वेस्टर्न कोल लिमिटेड परिसर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग के अंडर ब्रिज के नीचे के सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों का उल्लंघन हो रहा है। धूल से सांस फूल रही है। परिसर के नागरिक कई वर्षों से परेशानी का सामना कर रहे हैं। इसके पूर्व भी नागरिकों ने तहसील से लेकर जिला स्तर तक अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं। आज तक किसी भी अधिकारियों ने इस समस्या का समाधान करने का प्रयास नहीं किया। महीने भर पूर्व सरपंच पद का कार्यभार संभालते ही सरपंच पंकज गायधने द्वारा जनहित की समस्या को गंभीरता से लिया और निरंतर शिकायतों के बाद भी प्रशासन नहीं जागा तो उन्होंने खुद ही नागरिकों के साथ आंदोलन कर वेस्टर्न कोल लिमिटेड प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। आंदोलन की चेतावनी के चलते पुलिस महकमा भी चौकन्ना था। आखिरकार बेशरम बना वेस्टर्न कोल लिमिटेड प्रशासन को नींद से जागाई। आंदोलन की जगह पहुंचकर जल्द से जल्द समस्या सुलझाने का आश्वासन दिया, जिसे आप ऊंची दुकान फीका पकवान कह सकते हैं। वेस्टर्न कोल लिमिटेड के दो अधिकारी द्वारा आम नदी स्थित छठी घाट और से कॉन्क्रीटीकरण और अंडर ब्रिज के रास्ते पर दोनों ओर फैले कीचड़ धूल डस्ट की निरंतर सफाई कर डस्ट को परिसर के बाहर निकालने का आश्वासन मिला है। आंदोलन की जानकारी मिलते ही क्षेत्र के विधायक राजू पारवे समस्या को जल्द सुलझाने का आदेश प्रशासन को दिखाई देते नजर आए। कार्यपालिका और विधायक ये लोकशाही के दो मुख्य स्तंभ हैं। इन्होंने समय रहते हुए इस समस्या को सुलझा लिया तो नागरिकों को यह आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती और वही क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद साहब को अपने ही क्षेत्र में लोगों की परेशानियों पर हल निकालने के लिए समय नहीं मिल रहा है। ये नागरिकों की शोकांतिका है। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, नींद से जागा प्रशासन फिर कहीं सो न जाए, इसका जिम्मा भी अब स्थानीय नागरिकों को ही लेना पड़ेगा। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए उमरेड से राहुल गुप्ता की रिपोर्ट।